आज कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रही हूँ। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं बाइक से 50 किलोमीटर दूर। अब हम लोग तो 50 किलोमीटर दूर जाना है। हाँ, वो भी डैडी के बाइक से। कितना मजा आने वाला है ना? और बहुत सारे मस्ती करने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल सही मम्मा। क्योंकि आज डैडी हम लोग को घुमाने ले जा रहे हैं बहुत ज्यादा दूर। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतना दूर जाना है हम लोग को अभी। मम्मा और कितना दूर जाना है बताओ ना, मैं बैठकर बस थोड़ी दूर और बेटा। देखो दिख तो रहा है, इतना सारा लंबी लंबी लाइन लगी है ना गाड़ियों की। जल्दी चलो मम्मा, मैं यहीं से उतर जाऊंगा। नहीं नहीं, अब हम लोग पहुंच जाएंगे बिट्टू। जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए कि इतना जाम हो गई आगे ना, कि ये लोग गाड़ी से आए थे ना सब पिकनिक के लिए, तो इन सबको यहीं पे उतरना पड़ा है और यहीं से ये लोग पैदल चले जाएंगे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ही जाम है। तो अब देख रहे हैं ना कि बाइक हम लोग को यहीं पे छोड़ना पड़ा है और यहाँ से हम लोग पैदल ही जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, एक तरफ गाड़ी और एक तरफ लोग आ जा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही जाम हो गई है यहाँ पे, क्योंकि पिकनिक अभी है ना। और जनवरी के मंथ में तो हर दिन देखिए तो हर कोई पिकनिक बनाने ही जाता। हम लोग यहाँ आए, हम लोग को लगा ना कि यहाँ ज़्यादा भीड़ हो सकता है ना हो, लेकिन यहाँ भी इतना ज़्यादा भीड़ है। और मैं आप लोगों से बीच बीच में बात करती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे घूमने की कितने अच्छे अच्छे जगह है। और उतने ऊपर पहाड़ है ना, पहाड़ के बीच में लेक है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा यहाँ का। और बाबू भी आज बहुत खुश है, पूरा दौड़ दौड़ के जा रहा है पूरा। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उसे वैसा ऐसा जगह ही ज़्यादा पसंद आता है। और वो पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ के बीच बीच में रुक रुक के सब फोटो खिंचा रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे चढ़ के। और अच्छा लग रहा था यहाँ का, कभी कभी ऐसे जगह पे आने पे अच्छा लगता है। जिनको जहाँ जगह मिल रही है ना, वहीं पे वो लोग बैठ के अपना पिकनिक मना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कुछ लोग तो देखिए कि जो घूम लिए ना, वो वापस घर भी जा रहे हैं। हम लोग को शायद थोड़ी सी लेट हो गई आने में, तो इसलिए अभी हम लोग जा ही रहे हैं। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी इनको कि चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, हम लोग बहुत दिनों से गए नहीं हैं। और फाइनली आज हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। और आज सच में काफ़ी अच्छा लग रहा हम लोगों को, और मूड को थोड़ा सा चेंज होना ही चाहिए, मूड को चेंज करना चाहिए। देखो आगे देखे कितना भीड़ है बेटा, और कितना नीचे देखो, नीचे का सीन खेलने घूमने के लिए। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ चलो। मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ तो घूमने चली जाती हूँ या इनके साथ शॉपिंग चली जाती हूँ, पर घूमने के लिए कहीं ऐसी जगह पे मैं जल्दी नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि इन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता, फुर्सत नहीं मिल पाती है इन्हें। और आज हम आ ही गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बोल रही थी इन्हें कि चलिए चलिए चलिए, और आज फाइनली हम आ ही गए। तो देखिए कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं डैम के पास, और इतने बड़े बड़े पत्थर के ऊपर से हम लोग को जाना है। और डर भी लग रहा है, तो बाबू अपने पापा के साथ जा रहा है और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। और बहुत मज़ा भी आ रहा है इस जगह पे चल के, बहुत अच्छा लगा। और बाबू को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग जा रहे हैं डैम के पास, और मैं डैम के पास जाके पास का सीन दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा है। पास से देख के तो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊं आप लोग को। और आप लोग वीडियो पे ही देख लीजिए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, और हल्की फुल्की मौज मस्ती के साथ ही ये वीडियो। तो देख रहे हैं ना कि कितने लोग हैं यहाँ पे, सब डैम का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे और पिकनिक का आनंद उठा रहे हैं। वाह वाह,
और यहाँ पानी छूने में इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना कि मन हो रहा था कि आज पूरा पैर डालूं मैं उसमें। पर स्विच पहन के गई थी ना तो वो नहीं कर सकती थी, और ठंड भी का भी मौसम है ना तो ठंड भी लग जाती, पर पानी इतना अच्छा लग रहा था छूने में। और मुझे देख के बाबू भी आ गए पानी छूने के लिए, क्योंकि इसे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये भी छोड़ा और इस पे चलने में इतना डर लग रहा था ना कि लग रहा था कि पता नहीं कब गिर जाए, इतने बड़े बड़े पत्थर डाले हुए थे ना, तो बिल्कुल धीरे धीरे करके चलना हो रहा था इस पे। और डर भी लग रहा था कि कोई गिर ना जाए, कोई एक आदमी भी गिरेगा ना तो पता चला कि सारा गिर गया उसके साथ ही। वाओ क्या सीन लग रहा है, और यहाँ बाबू का फोटो शूट हो रहा है इतने अच्छे सीन में, और हीरो का फोटो शूट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। टार्जन करो टार्जन, पूरा ऐसे दोनों बराबर करो हैंड। मम्मी कितना मजा आ रहा है इस पत्थर में चलने का, लग रहा है अब गिर जाएंगे। नहीं नहीं मेरे तो मजा आ रहा है सच में। ना छोड़ो ना, कैसे हाथ छोड़ दूंगी, गिर जाएगा तो मेरा पीठ टूट जाएगा। और दिक्कत है नीचे पानी ही है, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन जाएगा सबसे पहले ऊपर, मम्मा या बिट्टू? नहीं जाऊंगा, जल्दी हाथ छोड़ो मैं बात के जाऊंगा। नहीं 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 आ जाओ, जाने दो जाने दो। और पापा तो आगे आ गए क्या? नहीं पापा पीछे अभी। और फाइनली पार कर गए हम इस पहाड़ को। चलो चलो चलो, ये देखो ये देखो दोनों, हाय हाय चलो। अच्छा लग रहा घूमने में, मजा आ रहा है ना कब? बाबू को मजा आ रहा है घूमने में, वो पहाड़ भी अच्छा लग रहा है ना देखने। यहाँ का रास्ता किधर से? चलो ना चल रहे ना लेकर के रे मटी। चलिए, और आज कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रही नो। वाव थोड़ा मेरे को भी ऊपर चढ़ा लीजिए जैसे बेटे को चढ़ाए हैं। आ जाइए प्यारी मैडम। जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर पे ये डैम है डोबो डैम, जो जमशेदपुर में रहते हैं उन्हें तो पता होगी, जो नहीं रहते हैं अगर आप लोग कभी जमशेदपुर आओ ना तो यहाँ घूमने के लिए जरूर आना। जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पहाड़ों के बीच जाके थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं जो लोग ना, वो लोग यहाँ पे जरूर आए, बहुत मजा आने वाला है उन्हें, बहुत अच्छी जगह है ये। मम्मी मैं पत्थर फेंकूं? हाँ फेंको, ये देखो वहाँ गिरा ना। हाँ गिरा मम्मी। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा, हल्की हल्की धूपें हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही है ना, तो उससे इस जगह का और भी ज़्यादा जो है ना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम भी उतना अच्छा और जगह तो उतना अच्छा है ही, तो उस वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज मज़ा आ रहा है आज हम लोगों को। और फिर यही पहाड़ों के बीच से उतर के जाना है हम लोगों को, और अभी जो शाम भी होने वाली है ना तो हम लोग अब घर ही निकल जाएंगे, या देखती हूँ कहीं बाहर जाके कुछ खाना वाना खा के फिर हम लोग घर से चले जाएंगे यहाँ से।
लग रहा है कि अब गिर जाएंगे इस तरह से। पर और बहुत सारे लोग ना इस बड़े बड़े पत्थर पे ही बैठ के फोटो शूट करवा रहे थे, बहुत लोग बैठ के अपना बातचीत कर रहे थे, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे बहुत लोग, अच्छा लग रहा था देख के सबको। मैं यहाँ से कैमरा घुमा के आपको चारों तरफ का सीन दिखाती हूँ यहाँ से, कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे डैम है और डैम के चारों तरफ पहाड़ है, और यहाँ से जो लंबी है ना वो पहाड़ ही है, और इधर से भी उतरने की जगह दी हुई है, वो लंबी लाइनें देख रहे हैं ना, उधर से भी रास्ते हैं। वाह कितना अच्छा सीन है, अभी पानी नहीं है इसमें, उधर से पानी आता है ना, यहाँ सामने से इधर छोड़ता है। देखो कितने लोग पहाड़ पे चढ़ रहे, तुम भी चढ़ रहे ना बिट्टू, चढ़ो चढ़ने दीजिए ना कुर्सी, चढ़ जाएगा मेरा बेटा। नो बेटा हो जाएगा, नहीं नहीं कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, चलो कम यार देखो दीदी जा रही है चढ़ने के लिए। अरे मेरा बेटा तो पूरा हीरो लग रहा है, देखो देखो। और यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे ना कि चढ़ने का बहुत मन हो रहा था, बहुत आदमी चढ़ भी रहे थे, लेकिन चढ़ते ना तो पता नहीं उतर भी पाते या गिर जाते क्या हो जाता, तो इसीलिए नहीं चढ़ पाए ऊपर में। तो फ्रेंड्स अब शाम हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं, आप लोग भी घर चलिए, क्योंकि उस समय से आप लोग तो मेरे साथ ही थे ना और घूमे ना आप लोग भी हम लोग के साथ, तो कैसा लगा हम लोग के साथ घूमना और मज़ा आया ना आप लोग को, मेरे हेयर इतने उड़ रहे हैं ना। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।